अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काजी मोहन साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक साहब। हमारे मीडिया चैनल वाले भाई बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं सोशल वर्कर खाजाली, सोशल वर्कर खलीम भाई बोल रहे हैं। वक्तन आते रहते आपके फोन जी हाँ। तो एक ऐसा है, एक मसला चल रहा सोशल मीडिया पे, फलस्तीन का जो मसला है, कई जने डोनेट दिए फलस्तीन को जी हाँ, हर मुल्क के लोग दिए जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी में अरबों रुपए लोग जाने बैठे मगर जा नहीं सक रहे, मगर हैदराबाद के बच्चे है सोशल मीडिया पे वीडियो डाले, इसके यहाँ से बहुत फंड हुआ, करोड़ रुपए फंड हुआ। अच्छा हाँ, खैर अब कौन बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं, अपने को तो उसका आइडिया नहीं है, मगर एक बात ये रहती कि अगर फलस्तीन के नाम से अगर कोई पैसे ले रहे तो हिंदुस्तानी होने के नाते मुसलमानों को थोड़ा होश में आके काम ये करना, जज्बाती नहीं होना जी, क्योंकि बास काम जज्बाती रहते और बास काम ऐसे रहते जो सोच समझ के करने के रहते, कानूनी तौर पे और मजहबी तौर पे, समझ रहे आप जी। कुछ काम जज्बाती रहते, कुछ काम मजहबी रहते। सही बात है। तो मजहबी काम को मजहबी तरीके से करना रहता, जज्बाती तरीके से नहीं कर सकते। सही बात है, समझ रहे आप। जैसा मिसाल के तौर पे किसी के घर में अगर इंतकाल हुआ, अब इंतकाल हुआ तो लोग जज्बाती रहते ना भाई। सही बात है। अब जज्बाती रहो तो क्या होता, जब मैयत उठाते जोर जोर से कलीमा पढ़ते रहते, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह हु अकबर, लेकिन ये मजहबी तालीम नहीं है, मजहबी तालीम ऐसा पढ़ने की नहीं, ये जज्बाती अमल है, समझ रहे हैं आप। तो वैसे ही दीन की बातों में जज्बाती होके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहां जज्बाती होके मुल्क के कानून को भी आप लाइट नहीं ले सकते। सही बात है। उसमें मिसाल के तौर पे अब अलीम भाई मेरे को फोन करे, अब्दुल अलीम भाई जी, फोन करके बोले भाई कौन ले रहे हैं, क्या है वो आप बेहतर जाने, भाई मैं 10,000 रुपए फलस्तीन को डोनेट करना चाह रहा हूँ फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए। अब पहली चीज फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करना, दिल में मोहब्बत रहना, उनकी तकलीफ दूर हो जाना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है भाई। पहली चीज हर मुसलमान के दिल में किसी भी मुसलमान की मोहब्बत तो रहना ना, उन्हें दुनिया की किसी भी हिस्से में रहो, लेकिन यहाँ अहम चीज ये है जज्बातियों की आप कानून को लाइट नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे अब्दुल अलीम भाई अगर 10,000 रुपए किसी को दे रहे हैं, मेरे को दे रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं काजी मल साहब जरा ले जाके फलस्तीन के लोगों को ये दे दो, राइट जी, ये है ना आपका सवाल जी। अब मैं आपसे 10,000 रुपए ले लिया, मैं इंडिया में, मैं हैदराबाद में हूँ, आप भी हैदराबाद में, चलो मैं हैदराबाद में हूँ, बम्बई में है भाई, बम्बई से हैदराबाद को पैसा आ रहा लीगल तरीके से गूगल पे से, तो मेरे पास अकाउंट स्टेटमेंट में चीज आती, अरे भाई नो 10,000 रुपए दिए, इनकम टैक्स में बैंक स्टेटमेंट निकाल के आप बताते 10,000 रुपए इस चीज के है, मैं इस चीज के दिया, इस पे टैक्स लगता है, इस पे टैक्स एग्जेम्पशन नहीं लगता, मैं गरीब को दिया, मैं किसी मरीज के जो सो दवाखाने के इलाज को दिया, मैं किसी जो सो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे की फीस दिया, मैं किसी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे की फीस दिया, ये बता सकते आप। लेकिन आप अगर मेरे को 10,000 रुपए देंगे, 10,000 रुपए देके बोल रहे हैं कातिब मियां आप जो है फलस्तीन को पहुंचा, ये तो पहली सवाल आपसे ये होता गवर्नमेंट से, आप फलस्तीन को पहुंचाने के लिए ये पैसा लीगल तरीके से दिए नहीं दिए, पहली चीज। इस बात से मैं शुरू में आपको बोला जज्बाती काम और कानूनी काम में जज्बात को नहीं देख सकते आप, कानून भी देखना पड़ता। सही बात है। आप मेरे को दिए 10,000 रुपए फलस्तीन को, मैं कैसा ले जा रहा हूँ पहले मेरे को पूछना ना। सही बात है। आप 10,000 रुपए दिए, राइट, अब 10,000 रुपए मैं इंडिया से बाहर ले जा रहा हूँ, इंडिया से 10,000 रुपए बाहर अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपको लीगली फॉरेन एक्सचेंज में पैसा कन्वर्ट कराना पड़ता। सही बात है। वेस्टर्न यूनियन में जाके फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कराना, फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कराए तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भर के एक चिट्ठी मिलती तब आप ले जा रहे हैं। आप अगर 10,000 रुपए किसी को दे दिए, 1,00,000 रुपए किसी को दे दिए, भाई फलस्तीन ले जाओ बोलो, कौन से भी मुल्क ले जाओ बोलो, उन्होंने अगर ब्लैक मार्केट से पैसा लेके जाके कन्वर्ट करा कि अगर दूसरे रियाल फलस्तीन में जो भी चलता, रियाल चलता कि दिरहम चलता कि डॉलर चलता जो भी चलता, तो अगर इलीगल तरीके से कोई आपके पैसे को कन्वर्ट करा ले रहे और जेब में रख के जो लेके चले जा रहे हैं दूसरे मुल्क को, तो गवर्नमेंट अगर कल के दिन उनको पूछेंगी ये पैसा आप जो बाहर ले जा रहे हैं, कस्टम वाले रोकते ना एयरपोर्ट पे। सही बात है। इतना पैसा दिख रहा है आपके पास, कैसा ले जा रहे हैं आप बोल के, तो कस्टम वाले जब पूछे तो क्या जवाब देंगे? सही बात है। भाई मैं फला फलस्तीन मुल्क को ले जा रहा हूँ, मेरे को ये लोग डोनेशन दिए, अरे भाई डोनेशन का पैसा है तो आप कन्वर्ट करा रहे हैं क्या?
आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का परमिशन है कि आप पैसे ले जाने के लिए, कस्टम डिपार्टमेंट से अप्रूवल है कि आपके पास ले जाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज का लीगल सर्टिफिकेट है कि आपका ले जाने के लिए, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरेन मनी ट्रांसफर इंडिया से पैसा बाहर भेजाने के लिए या इंडिया के अंदर ही फॉरेन ट्रांसफर कराने के लिए, आप समझो उमरा से आए, आप जो रियाला बच गए आपका 500 रियाल बच गए एयरपोर्ट पे, अगर आप कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं तो ने आपका पासपोर्ट पूछता, बोर्डिंग कार्ड पूछता, उसके बाद आपके नाम से एंट्री करके भाई इनू सऊदी से आते हो दिन के पैसे है बोल के समरी बनती उसकी, उसके ऊपर बेस पे होता काम। सही बात है। अब अगर आप 10,000 इनू 10,000 दे के ऐसे अगर कोई 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख जो भी रकम आप बोल रहे हैं आपको मालूम हो तो वो रकम आप कन्वर्ट करा रहे हैं तो लीगल तरीके से कन्वर्ट होना। फॉरेन एक्सचेंज के मिसाल के तौर पे अगर आप उमरा को जा रहे हैं, मिसाल आप फॉरेन एक्सचेंज की आपको मिसाल दे रहा हूं कानूनी, आपका एटीएम कार्ड है समो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, आपका अगर बैंक अकाउंट यहाँ पर एसबीआई में है तो एसबीआई वाले आपको एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी देते, आप दुनिया के कौन से भी मुल्क में जाके डेबिट कार्ड यूज कर सकते। अब जैसे ही आप सऊदी अरब गए उमरा करने गए हज करने गए, आपके इंडिया के एसबीआई अकाउंट में अगर 1,00,000 रुपए समझो आपका इंटरनेशनल एटीएम कार्ड अगर है तो आप जिद्दा में मक्का में मदीना में एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं आप। लेकिन एटीएम से जब आप पैसे निकालते तो आप इंडिया का पैसा सऊदी अरब में निकाल रहे हैं। सही बात है। जब इंडिया का पैसा आप सऊदी अरब में निकालते तो आज जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉरेन मनी ट्रांसफर के, अगर आप समझो मिसाल के तौर पे वहां पर मदीने में या मक्के में एटीएम में जैसा आप इंटेंशनल कार्ड डालते हैं आपके इंडिया में 1,00,000 रुपए है तो उन्हें स्क्रीन पे बताता 1,00,000 को रियाल में कन्वर्ट करके, मिसाल के तौर पे जो है सो 4,000 रियाल 5,000 रियाल बोल के आपको एटीएम में बताता उन्हें। और जब आप एटीएम से निकालते 1,000 रियाल निकाल रहे समझो एटीएम से मदीना या मक्का में, जैसा आप रियाल निकालते 1,000 रियाल इंडिया के कम से कम 900 से 1,100 रुपए आपको बैंक में टैक्स कट जाता आपका। 1,000 रियाल एक ट्रांजैक्शन को बोल रहा हूं मैं, एक ट्रांजैक्शन लीगल तरीका है ना भाई, एटीएम कार्ड एसबीआई बैंक को मालूम है मदीने में जाके अलीम भाई उमरा को गए निकाल रहे हैं, ये सबसे लीगल तरीका है आपका पैसा आप निकाल रहे हैं, उसको गवर्नमेंट जो टैक्स लेती रिजर्व बैंक को जाता कि वो एसबीआई को जाता कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता कि कम से कम एक ट्रांजैक्शन को 900 से 1,100 रुपए चार्जेस लगते। आप 1,000 रियाल आज निकाले हज के दिन, फिर 4 दिन के बाद फिर 1,000 रियाल निकाल रहे हैं आप, फिर 900 से 1,100 रुपए लगते हैं आपको चार्जेस, ये लीगल चार्जेस है जो आप पेमेंट कर रहे हैं। जब भाई 1,000 रियाल बोले तो इंडिया के कम से कम 23,000-24,000 रुपए होते हैं, जब 23,000-24,000 रुपए पेमेंट आप बाहर निकालने के वास्ते आपको 1,000 रुपए गवर्नमेंट चार्जेस ले रही है, अंदाजा बता रहा हूं मैं, 900 से 1,100 रहते हो लोग हज कुमरा गए निकाले तो मालूम होता 900 से 1,000 रुपए लग रहे हैं, जब हर 24,000 को 1,000 रुपए का हिसाब लग रहा तो 1,00,000 रुपए को कितने लग गए 3,000 से 4,000 रुपए लग जाते अलग अलग ट्रांजेक्शन में निकाले तो आप। तो ये गवर्नमेंट को फीस भर रहे हैं आप हज और उमरा को जाके निकाल रहे हैं अपना पैसा, तो ये लीगल तरीका होता आपके बैंक में आपको डिडक्शन करके बोलते अरे वे पैसे क्यों कटे बोले तो अरे आप बाहर जाके मक्का मदीना में उमराज को पैसे निकाले ना, ये उसके गवर्नमेंट के टैक्सेस पेमेंट कर रहे हैं बोल के बात आती। तो अब जो भी लोग मिसाल के तौर पर आप ही कलेक्ट कर रहे होंगे फलस्तीन को ले जाने के वास्ते, अब्दुल अलीम भाई फलस्तीन को ले जाने के वास्ते पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं तो लोग देखे अरे भाई नो सोशल वर्कर है बोल के अब्दुल अलीम भाई को एक जना 5,000 दिया, एक जना 10,000 दिया, एक जना 1,00,000 दिया। अब अब्दुल अलीम भाई का मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए जमा हो गए, अब अब्दुल अलीम भाई फलस्तीन ले जाते कि कहां ले जाते कि अब 1 करोड़ रुपए जब आप लेके जा रहे हैं लीगल तरीके से ले जा रहे हैं, क्या ये प्रूफ बताना गवर्नमेंट को आप? सही बात है। टैक्स डिडक्शन करके गवर्नमेंट बोलेंगे अब ये टैक्स है ये डिडक्शन है ले जाइए, और इंडिया से बाहर अगर आप पैसा ले जा रहे हैं तो लिमिट रहती है उसकी ले जाने की। सही बात है। इंडिया से बाहर ले जाने की भी लिमिट रहती और दूसरे मुल्क में भी इंडिया से पैसा लाने की लिमिट रहती। मिसाल के तौर पर आप आज उमरा को गए, अगर उमरा को गए तो फ्लाइट लैंड होने से पहले जिद्दा में मक्का में मदीना में अनाउंसमेंट होता, क्या अनाउंसमेंट होता सुनिए अनाउंसमेंट कभी आप बोलते हाँ सुनिए अनाउंसमेंट, पहला अनाउंसमेंट क्या होता, आप सऊदी अरब में लैंड कर चुके हैं यहाँ पर ड्रग्स लाना मना है, अगर आप यहाँ ड्रग्स लाए तो यहाँ पर सजाए मौत भी हो सकती। दूसरा अनाउंसमेंट अब हो रहा थोड़े दिन से, इससे पहले मैं लास्ट टाइम उमरा को गया हो जिद्दा को देखा, अनाउंसमेंट ये कर रहे हो ना कि सऊदी अरब में अब आप
ड्रग्स लाए तो भी मौत की पेनल्टी है, सजा हो सकती। दूसरा ये है, आप 60,000 रियाल से ज्यादा पैसा अगर यहाँ पर लेके आए हैं उमरा हज पे, कितने हजार रियाल, 60,000 रियाल से ज्यादा पैसा अगर आपके पास जेब में अभी रखे हुआ है तो आप कस्टम्स में डिक्लेरेशन दे देना, नहीं तो अगर आपका पैसा चेकिंग में पकड़ा गया तो आपको फिर कार्रवाई होती कानूनी। सऊदी अरब में 60,000 रियाल से ज्यादा पैसा नहीं ले जा सकता आदमी रख के, सऊदी अरब का कानून है वो, सही बात। लेकिन इंडिया से अगर कोई 60,000 रियाल ले जा रहा तो उन्हें फिर इंडिया की गवर्नमेंट में लीगल तरीके से ट्रांजैक्शन करा के, फॉरेन एक्सचेंज करा के, गवर्नमेंट को टैक्स भर के वेस्टर्न यूनियन से ले जा या बैंक से ले जा, वो ले जाना पड़ता। दोनों मुल्कों के कानून को आप मद्देनजर रखना पड़ता। आप उमरा जा रहे हैं, हज जा रहे हैं, बोल के ऐसी चीजों को लाइट नहीं ले सकते ना कानूनी तरीकों को। तो जब 60,000 रियाल बोले तो कितने हो गए, एक रियाल के आज के दिन में 22 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए, क्या की रेट है, 60,000 × 20, 20 रुपए का भी अगर अंदाजा हिसाब लगाए तकरीबन तो कितने होते हैं, 60,000 से 20 रुपए 12 लाख होते होते होंगे शायद, मतलब 12 लाख रुपए होते जी। हाँ फिर तो ये सऊदी अरब का जो कानून बताओ, मिसाल आपको, आप फलस्तीन में जा रहे हैं कि फलस्तीन में तो एयरपोर्ट नहीं है पहले जी, हाँ जेरूसलम में एयरपोर्ट है जी, और उसके बाद जो सो मिस्र है, मिस्र के कानून क्या है वहां ले जाने के जी, वहां ले जाके आप कानूनी तौर पे इंडिया से पैसा ले जाओ, मिस्र के कानून के हिसाब से भी पैसा आप वहां अंदर लियो, वहां लेके आप सामान खरीद रहे, नए खरीद रहे, तुर्की के बसा लाइन से लगे हुए ट्रका, सही बात है, लोन ले जा सक रहे, यूएई के ट्रका लाइन से लगे हुए हैं जी, बाजू मिस्र वाला पैराशूट में जाके जो सामान छोड़ के आ रहा, सही बात है, जिसकी जो देखो फलस्तीनियों का मजाक उड़ाना नहीं यहाँ पर, उनके लिए हाथ उठा के दुआ करेंगे, सही बात है, समझ रहे हैं, मगर जज्बाती नहीं होना। आप एक रुपया पहुंचा रहे हैं, लीगल पहुंचाओ, कल के दिन पलट के अब्दुल अलीम भाई जो 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए फलस्तीन ले जाता हूँ बोल के, और गवर्नमेंट बोली ठीक है लेके चले जाओ, आप लेके चले गए, फॉरन एक्सचेंज करा ले नहीं कराए, अगर कोई गलत तरीके में पकड़े गए तो अब्दुल अलीम भाई को बोलेंगे कौन कौन दिए पैसे बताओ जरा, पूरे आते आप बोलेंगे इन्हों दिए, गवर्नमेंट इनको पूछेंगे अगर, अरे भाई आप जो तो फॉरेन फंडिंग के वास्ते पैसा दे दिए, आपको रूल्स रेगुलेशन मालूम नहीं मालूम, सही बात है, आपके ऊपर भी केस होता, आपको जेल होंगी, ऐसी बात हुई तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फलस्तीन को मदद मत करिए, हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से भी फलस्तीन को जो सो प्लेना गए शुरू में जी, फलस्तीन को जो इमदाद कर सकते अपन इंडिया में रह रहे हैं भाई, जज्बाती नहीं हो सकते, अपना मुल्क है, यहाँ के कानून को अपन लिहाज रखते हुए आपको जो लीगल तरीके से देना है लीगल तरीके से दियो, सही बात है। एम्बेसियों में कलेक्शन कर रहे थे शुरू में फलस्तीन में, याद है फलस्तीन में आपको दूसरे मुल्क में कुछ हुआ तो जी, थोड़े दिन पहले, तो वैसे तरीके से एक अलग चीज है, अपनी इंडिया की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सो फौज जाके सामान दी गई फलस्तीन में, वो टाइम पे अगर इंडिया की फौज कलेक्शन कर रही, इंडिया की गवर्नमेंट बोल रही, तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट बोल रही कि भाई फलस्तीन के लिए आप डोनेशन देना है तो लाके यहाँ पर हमारे ऑफिसों पे दे दो, खाना कपड़े पैसा जो देना है, हम अपनी हुकूमत से भी जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जाते, अपनी आर्मी से भी जाएंगे, ये हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो इतनी कोशिश अगर आप कर ले रहे हैं अब तो लगी भाई 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए अगर वहां पहुंचाने की, आप जाके गवर्नमेंट से अपील करो भाई, मुसलमान यहाँ के पैसा देना चाह रहे हैं, आप गवर्नमेंट से इंतजाम करो लीगल तरीके से हमारे को वहां भी जाने का इमदाद, एड गवर्नमेंट कर सकती ना भाई, गवर्नमेंट मदद कर सकती ना भाई, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड है ये, इंसानी एड है, इंसानी एड के लिए हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी भेजी हुई है, हमारी आर्मी अपनी इंडिया की आर्मी ऑलरेडी जाके देखे आए एड, दवा दे के आए, ब्रेड दे के आए, जो जो चीज आए आप इंटरनेट पे गूगल पे हमारे इंडिया आर्मी क्या क्या मदद करी फलस्तीन को, सब चीज आ जाती। और एक बात क्या है साहब, अपना पर्सनल अकाउंट दिए लोग, कोई वो अकाउंट नहीं दिए, इससे नारा बता के पर्सनल अकाउंट दिए भाई, क्या करे थोड़े वीडियो शेयर कर दिए, देखो भाई क्या करे हैदराबाद में भी लोगों को बता बता के दे रहे थे 10 के कटे, अब क्या है कटेंगे वो, अब उनका अमल उन्होंने जाने, उनकी लीगलिटी उन्होंने जाने, उनका बैंक अकाउंट उन्होंने जाने, अपने को वाबस्ता नहीं है ना भाई, मैं आप पूछ रहे हैं मेरे को, आप पूछ रहे हैं काजी न्या मैं कुछ पैसा दियूं क्या भाई, लीगल दियो, मैं बोल रहा हूँ ऐसा लीगल दियो, हज उमरा की मिसाल दी आपको, और फिर ये बोल रहा हूँ आपको कि भाई इंडिया गवर्नमेंट से अपील करो आप भाई, एड पहुंचाओ, ह्यूमैनिटेरियन एड, इंडिया गवर्नमेंट अपील करती, पीएम फंड होता, सीएम फंड होता, एमपी फंड होता, एमएलए फंड होता, गवर्नमेंट त्यागेज करती, पूछो या जो पॉलिटिकल तजुर्बेकार लोग हैं असदुद्दीन अवैसी साहब है, तजुर्बेकार लोगों को पूछो कि भाई सियासी तौर पे कानूनी तौर पे हम क्या करना, सही मशवरा मिलता, सही तरीका मिलता, लिहाजा आवाम अपनी जज्बात में नहीं आना, जैसा मजहबी मामला में जज्बात में आना नहीं है, कानूनी मामला में भी जज्बात में नहीं आना,
क्योंकि आप यकीनन फलस्तीनियों की मदद लीगल तरीके से हो रही, इंडिया के लीगल तरीके से करो, मगर अपने आप को आप कानूनी जैसो तकलीफों में मशक्कतों में डाल के केस डाल लेके जेल में जाके दो महीने डेढ़ महीना आप ऐसे काम कर लेने के वास्ते थोड़ी ना जैसो आप 150,000-1,00,000 रुपए देंगे। तो लिहाजा जज्बाती रहना कानूनी मामला ही है, कानूनी तरीके से इसको करना पड़ता। यकीनन जज्बात मोहब्बत दिल कौन सी मजीद कौन से मसल की मजीद नहीं होती भाई जो रमजान में फलस्तीनियों से दुआ नहीं करी। हाँ सुन्नत जमात के करे, अहले दीसा करे, तबलीगी जमात करे, जमात इस्लामी करे, सब करे ना फलस्तीनियों के लिए दुआ करे तो ये मोहब्बत तो है ना भाई उनसे। अब इमदाद की बात है, चलो ऐसा भी नहीं है कि कुछ इमदाद है इसने फलस्तीन के अंदर, एक रुपया नहीं है, दुनिया से कोई नहीं आ रहा, ट्रका ठहरे हुए खाली इंतजार में, इंतजार में सही बात, अंदर दाखिला लेने के लिए नहीं जा सकते। तो मैं अब्दुल अलीम भाई अगर आप कलेक्शन करें तो आपको ये गुजारिश करूंगा, हैदराबाद के गरीबों का अगर अपन ख्याल कर लिए तो अपना हक यहाँ के लोगों का है। सही बात है, को जो चीज बांट रही बोले कौम के लोग मंग लेते हुए ठहरे हुए ले रहे हैं लाइन में, फितरे का अनाज हम बांटते लोग कलेक्शन करके, फितरे का राशन बांटे तो लोग बोल रहे हैं भाई हम बहुत दूर से आए फितरा लेने, हमारे को जाने पैसे नहीं है अब किराए के ऑटो के, शाहीन नगर से आए अगर ऑटो के पैसे भी दे दो ना। सही बात है, कितने 8 किलो 10 किलो फितरे का चावल ले जाने के वास्ते आए, फिर ऑटो के 250-50 रुपए देके उन लोगों को भेजा रहे। सही बात है, तो अपने मुल्क में अपने इलाके में अगर अपन गरीबी दूर करने के लिए काम कर लिए, बच्चों की तालीम स्कूलों की फीसों के लिए, कॉलेजों की फीसों के लिए, मेडिकल तालीम के लिए ये स्कॉलरशिप अपन कर लिए तो काफी है। फलस्तीनियों के लिए नए करो नहीं बोल रहे हम, लीगल तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो करने वाले आप अब्दुल अलीम भाई भी सेफ हैं, कोई देने वाले दूसरे अब्दुल अलीम भाई हैं तो उन्हें भी सेफ है, लीगल तरीके से कोई भी कानूनी मशक्कत में पड़ के क्यों अपने घर वालों को तकलीफ में डालना भाई कल के दिन। तो कौन कर रहे हैं क्या है क्या नहीं वो आप बेहतर जाने, कौन कर रहे हैं किसका बैंक अकाउंट है क्या है वो उन्हें जवाब दे बेहतर जाने, आप मशवरे के तौर पर सवाल करें, आप तक अलहमदिल्ला बात रख दिया। अच्छी बात, शुक्रिया मोहन साहब, काजी मोहन साहब, अस्सलाम वालेकुम।